Border Chhattisgarh. Oh man, finally, I think we did it. Look at the view. Hey guys, welcome to the Happiness Cocktail. Guys, if you are watching us for the first time, then I am Devina. And I am Bipin. We make travel and lifestyle video in our channel. And if you like what you see so far, then please consider subscribing. So guys, आज हमारा वीडियो रहेगा बहुत ही अलग वीडियो. मतलब ये वीडियो बहुत ही पहली बार हम लोग कर रहे हैं. बहुत ही बड़ा एडवेंचर हमारी लाइफ में. हम लोगों ने अपनी ग्रैंड आइटन 1 ईयर ओल्ड कार को 1300 किलोमीटर्स ले लिया है. 1300 किलोमीटर्स वन वे. सो 2600 किलोमीटर्स बोथ साइड. और उसमें भी हम लोग छत्तीसगढ़ में कुछ घूमे भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे. हमारा एक्सपीरियंस कैसा था. सो सबसे पहले बात आती है कि हम लोगों ने ये प्लान क्यों किया. सबसे पहला हमारा ये था कि हमको एक्सपीरियंस करना था. एक्सपीरियंस इन द सेंस ये था कि हम लोग कभी इतना लॉन्ग ड्राइव में मतलब लोगों को देखा था कि मतलब कोई लोग कार से इतना दूर जा रहे हैं, कोई कोलकाता जा रहा है बेंगलोर से, कोई दिल्ली जा रहा है, एंड सम पीपल इवन यू नो दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कार चला के. सो एक हमेशा एक मतलब अंदर में था कि जाना है एक लंबा ड्राइव, वी विल ट्राई इट आउट. सो इस दिवाली में मतलब हम लोगों का एक अच्छा सा संयोग बन गया. फ्लाइट मतलब कुल मिला के हम लोगों को फिर फ्लाइट का ऑलमोस्ट पड़ रहा था दोनों का आने जाने का मिला के समथिंग अराउंड 22 to 25 के जा रहा था. और डायरेक्ट अगर ट्रेन की बात की जाए तो एक ही वेन गंगा चलती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ फ्राइडे नाइट को, और उसमें भी पूरा दो दिन उसमें भी खर्च. तो तीसरा पॉइंट ये भी था कि मतलब रायपुर से मेरा होम टाउन ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स है, और मेरा उस टाइम का ऐसा प्लान बनना था कि पहले फ्लाइट से जाएंगे, उसके बाद वी विल हायर सम जूम कार समथिंग लाइक दैट. सो वो भी उसका कॉस्ट भी ऑलमोस्ट वॉज कमिंग लाइक 2 to 3 thousand रुपीज पर डे. कुल मिला के हम 50 to 60 thousand रुपये लग जाते ऐसा करके था. सो वो समहाउ मतलब मैंने फिर यही सोचा कि इट्स बेटर टू यू नो कैरी योर कार, और क्योंकि 10 दिन के लिए जा रहे हो तो यू कैन बेटर, क्योंकि वहाँ पे भी जाके मोस्ट ऑफ टाइम गाड़ी को खड़ी ही रहना है, तो इट्स बेटर टू हैव योर ओन कार. तो सो गाइस, इट्स 4:30 AM इन द मॉर्निंग. सो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारे रायपुर के सफर के लिए. तो आज का प्लान ऐसा है कि विल ट्राई फ्रॉम टिल आदिलाबाद, ट्राई टू कवर. सो सी आवर पैसेंजर ड्राइवर बिल्कुल पर्पल कलर के चश्मे के साथ सफर में मग्न है. हम लोग ने सबसे पहले 4:30 को 4:30 तक हम लोग कहीं भी जाते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाट वी डिड टुडे. और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी मतलब जल्दी नहीं रुके इस बार, और बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट करने का. सो हम लोग गाड़ी चलाते ही गए, वैसे भी उतनी भूख नहीं लगी थी. फिर हम लोग 9 बजे करीब एक जगह रुके, तो वहाँ से मतलब हमारा ऑलरेडी 300 किलोमीटर कवर हो चुका था. फिर उसके बाद अभी 12:30 हो रहा है, और अभी हम लोग हैदराबाद टच करने वाले हैं. लाइक दो किलोमीटर बचा हुआ है. सो हमारा आज का वही प्लान है कि हम लोग आदिलाबाद सोच रहे हैं पहुँचने का. अभी दिखा रहा है मैप में कि 6 बजे तक पहुँचेंगे. कमिंग टू द रोड्स एंड ऑल, रोड्स आर रियली वेरी नाइस. अभी तक तो अच्छा रोड मिला, सारा हाईवे में ही है हम लोग. बाकी मैं जैसा आगे आएगा तो बताती हूँ. Hey guys, so finally हम लोग जो है पहुँच चुके हैं, हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं एक्चुअली, और टाइम है अभी 1:30 o'clock. सो जैसा हमारा प्लान था, हमारा ऐसा था कि अगर 2 बजे तक हम लोग हैदराबाद पहुंच जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारा टारगेट होगा आदिलाबाद, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर टारगेट विल बी लाइक निज़ामाबाद, जो कि मतलब यहाँ से आदिलाबाद है अभी करीब 300 किलोमीटर और है, 4.25 घंटे का रास्ता है यहाँ से. तो अगर हम लोग अभी 2 बजे भी निकलेंगे तो ऑलमोस्ट 5:30 to 6 हम लोगों का पहुँचने का टारगेट रहेगा. सो That's what. So regarding the experience was like awesome guys. मतलब हम लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि मतलब इतनी स्मूथ राइडिंग होगी हम लोगों की. हम लोग सोचते थे कि हैदराबाद आते-आते हम बहुत टायर हो जाएंगे और ट्रैफिक बहुत होगा करके ऐसा. और ट्रैफिक गाइस मतलब मैं गिन सकती हूँ कितनी हम लोगों को कार दिखी, पूरी की पूरी ट्रक चलती है, और ट्रक भी मतलब अच्छा अपनी लाइन पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब हो रहा है. मतलब एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले रामेश्वरम किया था, वायनाड गए थे और कुर्ग गए थे, राइट. सो वहाँ पे उस टाइप का ट्रैफिक होता है कि इवन आप टोल रोड पे जा रहे हैं तो क्या होता है कि
मतलब देर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स विल बी देयर, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, तो आपको मतलब ध्यान से चलाना पड़ता है. बट इसमें इट्स लाइक भीड़ बहुत कम है, तो मतलब स्ट्रेस कम है, सो आप जो है अपनी स्पीड पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. एंड दिस नेहरू आउटर रिंग रोड गाइड, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग 60 किलोमीटर, एंड यू जस्ट पेडल द एक्सलेटर एंड यू डिड नॉट नीड टू टेक दैट your foot back, because 60 किलोमीटर मतलब 120 में ही गाड़ी चल रही है ऐसा करके. विपिन ड्राइव की है ना, इसलिए ही इज वेरी हैप्पी. माय गॉड, मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मतलब फोर लेन रोड पे एंड लिटरली देयर इज नो लिटरली लेस ट्रैफिक एंड माय गॉड यू आई एम रियली सरप्राइज दैट दिस इज एक्चुअली इन इंडिया. सो या ऑसम गाइस, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आई गेस जो हैदराबाद में पहले जो इस रोड पे जा चुके हैं सो उनके लिए तो नहीं है, बट अगर जो नहीं गए हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड, मतलब टिकट मस्त आता है. बहुत नाइस. या हम लोग भी पहले बहुत डरे थे, हम लोग कल तक डर ही रहे थे कि कैसे करेंगे क्या होगा. बट 4:30 हम लोग 4:30 स्टार्ट कर लिए थे. 4:30 को हम लोग निकले हैं, बहुत अच्छा. 4:30 से देवीना ने चलाया है ऑलमोस्ट 315 और 320 किलोमीटर 4:30 से 9:30 तक. उसके बाद 10 बजे मैंने गाड़ी चलाई 10 से 1:30 बजे तक, बाकी बचे 350 किलोमीटर. सो हैदराबाद क्रॉस हो चुके. आप आउटर रिंग रोड में घुसते हैं तो आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा गाइस. सो 60 किलोमीटर इट इज़ लाइक नो शॉप्स, नो पेट्रोल पंप. और जैसा ही आपका पेट्रोल पंप, बाइक तो दिखाई नहीं हम लोगों को. और जैसा कि आप जैसे ही वो आउटर रिंग रोड से बाहर निकलेंगे तो फिर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड पेट्रोल पंप हैं. सो हमने जो पेट्रोल डलवाया था फ्राइडे नाइट को, देवीना ने पहले की तैयारी कर की थी. थैंक्स देवीना फॉर दैट. मतलब देवीना ने पहले से ही गाड़ी का फ्यूल एंड एयर पार्ट सी टेक्स किया था. सो उसके बाद हम लोगों ने हैदराबाद में पेट्रोल भराया. सो आई गेस ग्रैंड आइडियन आल्सो गिवन अ प्रॉपर एवरेज, क्योंकि मैं वीडियो चेक कर रहा था तो उसमें कपल ऑफ पीपल आर लाइक दे, मतलब उन्होंने दो दो बार रिफ्यूल कराया था. सो आई वॉज काइंड ऑफ स्पेक्टिकल ऑन दैट. बट हमारी गाड़ी तो भाई बकायदा हैदराबाद क्रॉस किए हैं, देन वी गॉट रिजल्ट. अभी फुल फिर से कराया, फिर से फुल कराया थी, अपडेट करेंगे कि कहाँ होता है हमारा फिर से पेट्रोल थिंग. सो क्या आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि अगर कैसा क्या चल रहा है. बिल्कुल रवि तेजा इन आदिलाबाद. सो वी रीच हियर अराउंड 5:30 और हम लोग जब सुबह स्टार्ट किए थे गाड़ी, हम लोग अराउंड 4:30 स्टार्ट किए थे. उस टाइम बोल रहा था कि 6:18 तक पहुँचेंगे एंड नाउ इट 6:18. सी सो वी आर हाफ एन आवर अर्ली और हम लोग फ्रेश भी हो गए हैं नहा के. बस अभी हम लोग रास्ते भर में मतलब मैं सारी डिटेल बताऊँगी कैसा था रास्ता हमारा. तो हम लोग कोई भी ब्रेकफास्ट मतलब चाय वाय वाला व्यवस्था नहीं मिला, कोई ऐसा कुछ ढाबे ही थे, मतलब जितने मिले एक दो ही थे, वो भी ज़्यादा नहीं कि पूरा कंटिन्यूस में ढाबा था, तो वो भी बंद था शायद रात रात को स्टार्ट होता होगा. तो हम लोग भी होटल आ गए हैं और अभी हम लोग खा रहे हैं. तो रवि तेजा है, डिसेंट होटल है, इट्स नॉट दैट गुड. सो या और नाउ भी हम लोग तो मेरा तो बहुत सर दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने 600 अकेले चलाया है, 300 स्टार्टिंग में एंड में 300 और विपिन ने मिडिल का 300 लिया है. तो मेरा तो थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा टायर्डनेस है. तो वही हम लोग सोच रहे हैं खाना खा लेते हैं और 8-9 बजे तक सो जाते हैं. इट्स ऑलरेडी 6:39. 8-9 बजे तक सो के फिर सुबह उठ के फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नागपुर से रायपुर पहुँचेंगे, ऐसा हमारा प्लान है. अपडेट करेंगे हम लोग सब कुछ. सो आदिलाबाद जो है ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, तो डोंट एक्सपेक्ट लाइक कोई बड़ा सा मतलब वो है. और मतलब मैं इवन ये तक सजेस्ट करूँगा कि मतलब अगर आपका रुकने का कोई आस, मतलब अगर आप ब्रेक जर्नी कर रहे हैं बेंगलोर से रहकर, सो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप एक दिन थोड़ा लेट से निकलो, हैदराबाद में रुको, हैदराबाद में हाल्ट करके एंड देन यू स्टार्ट आफ्टर हैदराबाद एंड हैदराबाद से रायपुर आप एक दिन में खींच सकते हो. Hey guys, so finally we crossed Nagpur और फिर अभी हम हैं डोंगरगढ़ नागपुर रोड में. 5 hours 22 minutes लगेंगे, 280 किलोमीटर्स लेफ्ट टू गो. और आदिलाबाद से हम लोग जब निकले थे मॉर्निंग 6:30 को तो वहाँ बारिश भी हो रही थी और
रोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब आदिलाबाद से जो हाईवे का था, फिर वहाँ से हाईवे से करीबन 20-30 किलोमीटर बहुत बेकार रोड थी, तो उसमें हमारा बहुत टाइम चले गया है। अब हम लोग मतलब नागपुर के पहले से थोड़ा और अब अच्छा रोड है, हाईवे है प्रॉपर। अभी हम लोग है नागपुर भंडारा रोड पे, विभिन्न ड्राइव कर रहे हैं, NH 54 है ना, अपडेट। और फिर अभी भी खाने का उतना अच्छा कुछ रेस्टोरेंट नहीं आया, स्टिल वी आर वेटिंग, इट्स अबाउट 9 o'clock। सो वही है बस, यहाँ का वेदर बहुत ही ऑसम हो गया है, शायद हम लोग आ रहे हैं इसलिए बारिश जैसा मौसम, मतलब सुबह जब से निकले तब से वैसे ये धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, नहीं तो बहुत मतलब गर्मी भी लगती है अगर एसी तेज करना पड़ता है तो। अभी क्या है, एसी भी मैं बंद चालू कर रही हूँ, इतना ठंडा फील हो रहा है। इसरो के साइंटिस्ट की तरह सोनू पूरियां तलने के लिए गैस का ओपन कर देती है ना, बिल्कुल वैसे ही। या सो या गाइस दैट इज द अपडेट। और फिर अभी हम लोगों को पेट्रोल वेट्रोल कुछ भी नहीं है, आधा टंकी हमारा बचा हुआ है, और हम लोग अभी रेस्टोरेंट के लिए जहाँ रुकेंगे मैं आपको अपडेट करती हूँ कि कैसा है। अच्छे में ही रुकने का सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स लेट्स सी। और फिर या आई विल शो यू द रोड, दिस इज द रोड वी हैव टू गो टिल रायपुर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट राइड कर लिया है, कुछ कोई ढाबा था मालवा पंजाबी ढाबा, अभी 7 मिनट में दिखा रहा है 8 किलोमीटर समथिंग। So let's reach there and look at the view again, guys. So guys, finally we are in अपेक्षा फैमिली रेस्टोरेंट, मतलब ढाबा है रोड के किनारे, यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे, तो बिल्कुल बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होटल में तो एक्सपेक्ट करिएगा आप। सो या और विभिन्न खाने लिया है, समोसा गरम गरम, कैसा लग रहा है पतिदेव? वन ऑफ द थिंग यू नो आई रियली मिस इन बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में नाश्ते के लिए समोसे तो मिलते नहीं है, स्नैक्स मिलते हैं शाम को मिलता है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट फूड ऑफ माई मॉर्निंग इज समोसा। Finally, we can see Chhattisgarh in our map and look at this green plus blue and look at the view, you guys. Okay, the wait is over, it seems. Raipur 134 km, man, come on, we can do it. Hey guys, जो हम लोगों ने फिर हाईवे लिया था जैसे मैं आपको बता रही थी, तो वो फ्लाईओवर हम लोग को ये अभी नेहरू नगर के जो पहले है ना ग्रैंड इलन वहाँ उतार दिया एकदम, मतलब दुर्ग हम लोग सोच रहे थे दुर्ग आएगा वहाँ हमारा ट्रैफिक जाम होगा, हम लोग क्या नहीं सोच रहे थे, और ये उतार दिया है नेहरू नगर चौक में, आप देख सकते हैं, देखो हम नहीं दिखेगा आपको नेहरू नगर, मैन सीरियसली तो बहुत ही ऑसम चीज है यार। गाइज फाइनली वी रीच्ड आवर होम रायपुर में, 2:30 को हम लोग पहुँच चुके थे, और ऑलरेडी मेरा ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं कॉस्टिंग और जो रूट अपडेट है रायपुर से बेंगलोर के लिए वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब, लाइक शेयर करके जाना। थैंक्स अलॉट गाइज, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।